क्लियर है। तो आज हम देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन एसक्यूएल। सबको दिख रही है स्लाइड? यस सर, यस सर। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने क्या है कि पिछले क्लास में पढ़े थे, तो हमने डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट देखे थे, ठीक है। अब इन कंस्ट्रेंट्स को एसक्यूएल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो एसक्यूएल में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो होते हैं, ये सिक्स कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट इज यूनिक, सेकंड वन इज नॉट नल, थर्ड वन इज प्राइमरी की, नेक्स्ट वन इज चेक कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट व्हिच इज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डीडीएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जो लैब में हम लोग कर रहे थे वो हम लोग लैब में क्या कर रहे थे, डीक्यूएल स्टेटमेंट कर रहे थे, सारे के सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डीडीएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये डीडीएल स्टेटमेंट मैं आप लोगों को यहाँ थ्योरी में पढ़ा दे रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको लैब सिक्स में क्या है जो टेबल्स बनानी है आपको, वो खुद से आप बनाएंगे, ठीक है। तो लैब सिक्स में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें टेबल भी क्रिएट करना है, उसमें डेटा भी इंसर्ट करना है और उसमें फिर क्वेरीज भी करनी है, डीक्यूएल स्टेटमेंट्स की क्वेरीज भी दी हुई हैं उसमें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डीडीएल में। तो डीडीएल में पहला स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। सिंटेक्स क्या है क्रिएट स्टेटमेंट का, सो सिंटेक्स इज क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रेसेस स्टार्ट और एंड हो रहे हैं, ठीक है। दिस आर द नेम ऑफ कॉलम्स, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, प्रोजेक्ट नंबर्स, ठीक है। एंड दिस आर द डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम नेम, सो रोल नंबर एट्रीब्यूट और रोल नंबर कॉलम हैज अ डेटा टाइप नंबर, साइज इज 3, स्टूडेंट नेम has a data type worker 2, size is 20, name has a data type number, size is 1, likewise branch, mass and project numbers, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक टेबल क्रिएट होगी और उनके पर्टिकुलर ये कॉलम नेम्स होंगे, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया है, इसमें एक भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। अदर देन डोमेन कंस्ट्रेंट मैंने इसमें एक भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। अब डोमेन कंस्ट्रेंट मैंने क्या स्पेसिफाई किया है कि रोल नंबर का जो डोमेन होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर और उसकी साइज होनी चाहिए 3। इसका मतलब है कि ये कौन कौन सी वैल्यू कंटेन कर सकता है, 0 to 999 तक की वैल्यू कंटेन कर सकता है। सिमिलरली नेम में मैं क्या कर सकता हूँ, वेरकर 220 मतलब वेरिएबल लेंथ करेक्टर अप टू 20 करेक्टर तक के नेम में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेमेस्टर में नंबर है तो डेटा टाइप नंबर है, वो उसकी साइज है 1, इसके मतलब है कि सिंगल डिजिट के नंबर्स में स्टोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज ब्रांच, वेरकर 220, तो अगेन ब्रांच में मैं वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर ले रहा हूँ, मैक्सिमम कैरेक्टर साइज की होगी 20, फिर है मार्क्स और आखिरी में है प्रोजेक्ट नंबर, क्लियर है। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस टेबल कैन आई इंसर्ट अ रो कंटेनिंग 1 राम 3 सीएसई 40 121, कर सकता हूं क्या मैं, आंसर चाहिए मुझे ना। कैन आई इंसर्ट अ रो कंटेनिंग रोल नंबर वैल्यू एस 1, नेम वैल्यू एस राम, सेमेस्टर वैल्यू एस 3, ब्रांच वैल्यू एस सीएसई, मार्क्स वैल्यू एस 40 एंड प्रोजेक्ट नंबर एस 121, कर सकते हैं? Yes, कर सकते हैं, क्यों? Yes, क्योंकि रोल नंबर में मैं 1 डाल रहा हूं, उसकी रेंज जो है वो 0 to 99, मतलब मैं नंबर डेटा ही डाल सकता हूं तो नंबर ही डाल रहा हूं मैं। स्टूडेंट नेम कॉलम में भी मैं करेक्टर डाल रहा हूं अप टू 20 करेक्टर्स तक, सेमेस्टर में भी नंबर डाल रहा हूं मैं सिंगल डिजिट का, ब्रांच में भी 20 करेक्टर्स के मैं अप टू 20 करेक्टर्स तक की स्ट्रिंग डाल सकता हूं। अगेन दिस इज नंबर ऑफ 2, तो 2 डिजिट के नंबर स्टोर कर सकता हूं, एंड दिस इज नंबर ऑफ 3, तो 3 डिजिट के नंबर्स मैं स्टोर कर सकता हूं। सो ये रो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सो कैन आई इंसर्ट 2 श्याम 5 सीएसई 5122? यस सर, कर सकते हैं सर। कैन आई इंसर्ट 1, कैन आई इंसर्ट 1 मोहन 7 सीएसई 55123? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। कैन आई इंसर्ट 2 गोपाल 5 आईटी 65121? नो सर। व्हाई नॉट सर, ब्रांच तो डिफरेंट है ना। नहीं, ब्रांच डिफरेंट है तो क्या हो गया, कर सकते हैं सर। यहाँ कहीं लिखा थोड़ी है कि ब्रांच सीएसई होना चाहिए, ब्रांच में वेरकर 220 लिखा है ना, तो 20 करेक्टर तक की कोई भी ब्रांच स्टोर कर सकता हूँ मैं, ये भी इंसर्ट कर सकता हूँ मैं। कैन आई इंसर्ट 1 राम 3 सीएसई 4121? नो सर। व्हाई नॉट
सर रिपीट हो रहा है नो सर रोल नंबर नेम रिपीट हो रहा है तो हमने रिपीट हो रहा है तो हमने कोई कंस्ट्रेंट डाला ही नहीं है ठीक है मैं सेम डेटा फिर से रिपीट कर सकता हूं तो 1RAM 3CSE 4120 में रिपीट कर सकता हूं क्योंकि वो डोमेन कंस्ट्रेंट मेरा एक भी वायलेट नहीं कर रहा है क्लियर है टेना इंसर्ट 100 पिंकी 9 ETC 90 123 यस सर ये भी इंसर्ट कर सकते हैं हम कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी कैन आई इंसर्ट 1000 दिनेश 5 CSE 55 123 नो सर नो सर नो व्हाई सर क्योंकि वैल्यू से एक्सीड कर दी सो रोल नंबर की जो वैल्यू है वो 0 to 999 मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी यहाँ पर कि नंबर ऑफ 3 digits ओनली तो मैंने 4 digit का नंबर डाल रहा हूँ सो दिस इज नॉट अलाउड क्लियर है अगेन कैन आई इंसर्ट नल राम 3 CSE 40 121 यस सर बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं कैन आई इंसर्ट नल वैल्यूज इन ऑल द कॉलम्स यस सर कर सकते हैं क्लियर है तो ये क्वेरी समझ में आ रही है आप लोगों को ठीक है इसको एग्जीक्यूट करके देखें अभी हमने क्या किया yes, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स बना के रखी हैं ठीक है फोल्डर मैंने बताया देखिए मेरे एच ड्राइव में स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर है जिसमें मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स बना के रखी हैं ये स्क्रिप्ट्स मैं आपको आज दे दूंगा इसको एक एक करके हम रन करके देखते हैं ठीक है तो स्क्रिप्ट वन के कंटेंट क्या थे स्क्रिप्ट वन में लिखा है मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट कैस्केड कंस्ट्रेंट्स ठीक है तो ये टेबल को ड्रॉप करने का एक कमांड है कि ड्रॉप टेबल टेबल नेम और कैस्केड कंस्ट्रेंट्स ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है कि कैसे टेबल ड्रॉप की जाती है फिलहाल आप याद रखेंगे कि इससे टेबल क्या हो रही है मेरी ड्रॉप हो रही है ठीक है ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट नाम के पहले से कोई टेबल है तो उसको क्या कर दे वो ड्रॉप कर दे अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा और वन को मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो स्टूडेंट वाले में एरर आएगा और जो इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं वो फिर से इंसर्ट हो जाएंगे जैसे आप अभी पिछले लैब में किए थे जब ईएमपी टेबल को दो बार आपने एग्जीक्यूट कर दिया था तो ईएमपी टेबल में दो बार कंटेंट्स आ गए थे 14 रोज जो है दो बार जनरेट हो चुकी थी क्लियर है तो हमने यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टेबल टेबल नेम कैस्केड कंस्ट्रेंट तो टेबल अगर पहले से है तो ड्रॉप हो जाएगी फिर मैं लिखा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट और वो सेम क्वेरी लिखी है जो मैंने वहां पे लिखी है ठीक है तो इससे टेबल क्रिएट हो जाएगी टेबल क्रिएट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ उसमें रोज इंसर्ट कर रहा हूँ तो इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम फिर मैं दे रहा हूँ सेट ऑफ कॉलम्स तो कॉलम नेम्स क्या क्या है मेरे रोल नंबर स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच मार्क्स पी नंबर तो ये छह के छह कॉलम नेम मैंने आपके दिए हैं यहाँ देखिए 5 कॉलम नेम लिखे हुए हैं ठीक है तो इसको चेंज करते हैं यहाँ पे करते हैं रोल नंबर स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच तो ब्रांच भी यहाँ पे नहीं दिया था तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रांच मार्क्स एंड पी नंबर और सेम वैसी वैल्यूज देंगे हम लोग यहाँ पर सो रोल नंबर इज 1 नेम इज राम सेमेस्टर वैल्यूज 3 ब्रांच इज CSE 40 एंड 121 ठीक है फिर उसके बाद फिर से इंसर्ट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ मैं तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और टेबल नेम के मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पर मैं कॉलम नेम्स को नहीं दे रहा हूँ ठीक है तो इंसर्ट मैं दो तरीके से कर सकता हूँ या तो मैं क्या करूँ कॉलम नेम दूँ या तो कॉलम नेम नहीं भी दूँ कॉलम नेम अगर मैं नहीं दे रहा हूँ डायरेक्टली मैं वैल्यूज करके और मैं वैल्यूज सेट दे रहा हूँ तो क्या करेगा वो डिफॉल्ट ऑर्डर लेगा जो ऑर्डर मैंने इस क्रिएट स्टेटमेंट में दिया था दैट मीन्स रोल नंबर पहले फिर नेम फिर सेमेस्टर फिर ब्रांच फिर मार्क्स और फिर पी नंबर ये वैल्यूज जो है पहले रोल नंबर होनी चाहिए फिर नेम होना चाहिए फिर सेमेस्टर फिर ब्रांच फिर मार्क्स और फिर पी नंबर क्लियर तो ये एक स्टेटमेंट हमने ऐसा रखा है बाकी स्टेटमेंट ऐसा रखा है ये मैंने बताने के लिए कि दोनों तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं क्लियर है इन दोनों में बस डिफरेंस एक दोनों में डिफरेंस बस एक यही है कि यहाँ पे मैं इन कॉलम ऑर्डर्स को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से मैं रोल नंबर हटा के रोल नंबर को मैं इसके बाद भी रख सकता हूँ कि मेरे फॉर्म में डेटा जो पहले आ रहा है वो आ रहा है नेम तो मैं पहले नेम वो डाल रहा हूँ और फिर मैं रोल नंबर को डाल रहा हूँ ठीक है तो जिस कॉलम ऑर्डर में वैल्यूज मैं कॉलम ऑर्डर जो डिफाइन करूंगा उसी कॉलम ऑर्डर में मुझे यहाँ वैल्यूज देनी पड़ेगी ठीक है अगर मैं कॉलम ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो मुझे डिफॉल्ट कॉलम ऑर्डर ही मेंटेन करना पड़ेगा जो मेरे यहाँ क्रिएट स्टेटमेंट मैंने दिया है क्लियर है हाँ अब कोई डाउट पूछ रहा था
कैस्केड कंस्ट्रेंट्स को हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई कंस्ट्रेंट है तो वो भी ड्रॉप कर दे, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने लिख दिया कमिट। कमिट करने से क्या होगा कि जितने भी मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं वो मेरे डेटाबेस में परमानेंटली चेंजेस परफॉर्म कर देगा, मतलब ये सारी रोज मेरी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो जो इंसर्ट होगी वो इंसर्ट हो जाएगी, जिसमें एरर आएगा वो इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे किसमें एरर आएगा, 1000 में एरर आना चाहिए जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट टेबल में जो जो कंटेंट होगा वो उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा, क्लियर है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, लिखते हैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन, ओपन करते हैं रन एस एडमिनिस्ट्रेटर मोड में, कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट से। तो अभी अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फॉर्म टैब, तो मेरे पास कौन सी टेबल्स हैं, ईएमपी डीपीटी बोनस और सेल ग्रेड, ये चार टेबल जो हम लोग लैब में कर रहे थे वही टेबल्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एट द रेट एच ड्राइव स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है मेरे पास, और मैं पहली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सो पाथ विल बी एच कोलन स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश वन, क्लियर। तो ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्क्रिप्ट मेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसमें देखिए एरर आ रहा है, कुछ एरर क्या आ रहा है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो टेबल को ड्रॉप कर ही नहीं सकता वो, इसलिए उसमें एरर आया। उसके बाद क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखा था मैंने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉप टेबल टेबल नेम दिया था, ये ड्रॉप टेबल टेबल में एरर आया। फिर क्रिएट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया उसने, क्रिएट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके उसने दिखाया टेबल क्रिएटेड। उसके बाद पहली रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स रो तक क्या हुआ, उसने एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लिया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। मतलब दिस इज फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स रो तक मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। जैसे ही मैं सेवंथ रो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इट विल शो एन एरर, एरर क्या दिखा रहा है, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम, ठीक है, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम। तो ये मेरा क्या हो रहा है, डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, इसमें एरर आ रहा है। उसके बाद दो रो और क्रिएट हो जा रही है जो उसके नीचे लिखी हुई है, मतलब नल वाली रोज भी मेरी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो जा रही है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, मेरे टेबल के कंटेंट्स को दिखा रहा है कि मेरे टेबल में क्या कंटेंट्स हैं, टोटल 8 रोज हैं, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट यहाँ पे, एनी डाउट, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने करके देख लिया, यहाँ पे मेरी कौन कौन सी रो एग्जीक्यूट हो रही थी, मेरी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स रो एग्जीक्यूट हो रही थी, ये मेरा क्या हो रहा था, इंसर्ट नहीं हो पा रहा था, और ये दोनों मेरा क्या हो जा रहा था, इंसर्ट हो जा रहा था, क्लियर है। तो मैंने अभी तक इसमें क्या किया है, एक ही कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है, वो है डोमेन कंस्ट्रेंट, मैंने एसक्यूएल का एक भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक भी कंस्ट्रेंट मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है कि कॉलम के क्या डेटा टाइप होंगे, उनके क्या साइजेस होंगे, क्लियर। अब हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं जिसमें हम लगा रहे हैं यूनिक, क्लियर है। तो पहला जो कंस्ट्रेंट हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं यूनिक। तो मैंने क्या किया है, अब जो मेरे टेबल के डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट और रोल नंबर नंबर ऑफ थ्री, उसके आगे मैंने लगा दिया है यूनिक, ठीक है, एक कीवर्ड लगा दिया है यूनिक, दैट मीन्स रोल नंबर वैल्यूज आर यूनिक, ठीक है, रोल नंबर वैल्यूज कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लियर है। सो कैन आई इंसर्ट 1 RAM 3 CSE 4121 इन दिस टेबल, यस यस सर, कर सकते हैं। कैन आई इंसर्ट 2 SHAM 5 CSE 5122, यस सर, यस सर, कैन आई इंसर्ट, कैन आई इंसर्ट 1 Mohan, नो सर, नो सर, नो सर, बिकॉज इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक, द रोल नंबर इज नॉट यूनिक, रोल नंबर वैल्यू इज नॉट यूनिक, क्लियर है। 1 1 रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा इंसर्ट नहीं होगा। फिर कैन आई इंसर्ट 2 गोपाल 5 आईटी 65121, नो सर, नो सर, अगेन दिस वैल्यू इज रिपीटिंग, ठीक है। कैन आई इंसर्ट 1 RAM 3 CSE, नो नो सर, नो सर, बिकॉज़ 1 इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द टेबल।
Can I insert 100, Pinky, 9, etc, 90, 123? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं ना? Yes, sir. कर सकते हैं? ठीक है, रोल नंबर में 9 इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया है, सिंगल डिजिट दिया, सिंगल डिजिट में 9 स्टोर कर सकता हूँ मैं. क्लियर? सो कैन आई इंसर्ट 1000 दिनेश 5 CSE 50 by 121? नो सर. नो सर. ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेटेड. मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 3 दिया है तो मैं 3 डिजिट का ही नंबर आ सकता हूँ, 4 डिजिट का मैं इंसर्ट नहीं कर सकता. कैन आई इंसर्ट नल राम 3 CSE 40 121? नो सर. Why not? Null values नहीं रखते हैं टेबल में. जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं, हमने कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पे. सर रख सकते हैं. ठीक है, ये मेरी इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि null value मैं इंसर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, can I insert null in all the columns? Yes sir. कर सकते हैं? Yes sir. Yes sir. ये कर सकते हैं? Yes sir. Null null repeat कर सकते हैं ना? मैं फिर से null नहीं कर. Okay. नल नल रिपीट कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते ना. कर सकते होंगे नल, बट सेम भी तो हो सकते हैं ना नंबर. नल इज एन स्पेशल वैल्यू, इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट काम नहीं करता. क्लियर है? अगर मैंने नल रखा है रोल नंबर में तो नल में और भी नल इंसर्ट कर सकता हूँ आपके रोल नंबर एट्रिब्यूट में. ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसको भी. आ जाते हैं अब हम अपनी स्क्रिप्ट नंबर 2 पे. ठीक है, सेकंड स्क्रिप्ट में पूरा स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ चेंज क्या किया मैंने यहाँ पर, यूनिक कर दिया है. ठीक है, यूनिक करके बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम है, देखिए. ठीक है, और पहला क्यों लिखा है मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, क्योंकि अब टेबल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट में एरर आ रहा था, अब इसमें एरर नहीं आएगा. हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एट द रेट एच ड्राइव स्क्रिप्ट. मैं सेकंड स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. एग्जीक्यूट किया मैंने तो देखिए, सबसे पहले दिखाया टेबल ड्रॉप. टेबल ड्रॉप करने के बाद दिखा रहा है टेबल क्रिएटेड. ठीक है, टेबल क्रिएट भी हो गई. क्रिएट होने के बाद पहली दो रो इंसर्ट हो गई. ठीक है, पहली दो रोज क्या क्या थी, 1 and 2, ये इंसर्ट हो गई. फिर 1 और 2 में एरर आना चाहिए. ठीक है, तो ये देखिए एरर आ रहा है, 1 and 2 में एरर आ रहा है. फिर 1 में फिर एरर आ रहा है. ठीक है, फिर 100 जो है मेरा इंस्टोर हो जा रहा है. ठीक है, ये 100 जो है मेरा स्टोर हो जा रहा है. फिर 1000 में एरर आ रहा है. ठीक है, 1000 में एरर आ रहा है. 1000 में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उस केस में डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है. इन तीनों में जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है. इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड. और ये डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेटेड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम. मतलब आपको डोमेन, उस डोमेन की वैल्यू नहीं ले रहे हैं जो वैल्यू आपने डिसाइड किया कि इतने डिजिट तक का ही होना चाहिए या इतने करेक्टर तक की वैल्यूज ही होनी चाहिए. फिर देखिए दोनों नल वैल्यूज मेरी इंसर्ट हो गई. ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो दोनों नल वैल्यूज मेरी इंसर्ट हो गई हैं. यहाँ पर भी नल है और यहाँ पर भी नल है. ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये भी नल वैल्यू है मेरी और ये भी मेरी नल वैल्यू है. 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नल वैल्यूज हो रही हैं आपकी. क्लियर है? सो सेकेंड कंस्ट्रेंट जो हमने पढ़ा, सॉरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो हमने पढ़ा वो है यूनिक कंस्ट्रेंट. समझ में आ रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट? किसी कोई डाउट? चलिए अभी जो हमने यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ा, हाँ कोई डाउट नहीं ना? नो सर. आगे बढ़े? यस सर, आगे आगे बढ़ते हैं. अभी जो हमने यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ा, ये हमने पढ़ा किसमें? हमने पढ़ा कॉलम लेवल में. ठीक है, तो ओरेकल में जब हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं क्रिएट टेबल में, तो हम दो तरीके कंस्ट्रेंट देते हैं. एक होता है कॉलम लेवल में, मतलब रोल नंबर को यूनिक दिया, मैं चाहूँ तो स्टूडेंट नेम को भी यूनिक कर सकता हूँ, सेमेस्टर को भी यूनिक कर सकता हूँ, ब्रांच को भी यूनिक कर सकता हूँ. तो मुझे इनके कॉलम में क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. दूसरा मैं टेबल लेवल पर ही बता सकता हूँ कि इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स हैं. ठीक है, तो टेबल लेवल में अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा कि मैं पहले पूरे कॉलम के नेम्स डिफाइन कर रहा हूँ, के डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद कॉमा करके मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ कि यूनिक, और यूनिक करके ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ रोल नंबर. मतलब रोल नंबर वैल्यू शुड बी यूनिक. क्लियर है? रोल नंबर वैल्यू शुड बी
यूनिक। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, किसमें किसमें, ये जो पहले हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर और यहाँ पे जो हमने लिखा है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीसरा, हम चाहें तो कंस्ट्रेंट का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, और फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कंस्ट्रेंट, क्लियर है। तो कंस्ट्रेंट नेम हम इसलिए देते हैं ताकि आगे चल के अगर मुझे उस कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए मेरे को पूरी टेबल रिमूव करने की नीड नहीं है, मुझे क्या करना है उस टेबल में उस कंस्ट्रेंट को ही रिमूव करना है बस। तो अगर मैंने कंस्ट्रेंट का नेम दे के रखा है तो ही मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे पहले टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी पीछे और फिर से टेबल क्रिएट करके पूरी वैल्यूज फिर से इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो ये हम देखेंगे जब हम अल्टर क्वेरी पढ़ेंगे तब कंस्ट्रेंट कैसे रिमूव करते हैं वो हम देखेंगे, फिलहाल हम क्रिएट स्टेटमेंट फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीका है जिसमें मैं यूनिट कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकता हूँ, एक तो कॉलम लेवल, एक टेबल लेवल, और टेबल लेवल में कंस्ट्रेंट के नेम देके भी मैं कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए थर्ड स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है, अच्छा इसमें मैंने इसको नहीं किया है, ठीक है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे मैंने जो यूनिक लिखा था इस यूनिक को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूनिक को यहाँ से हटा के क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉमा करके मैं लिखता हूँ यूनिक, ठीक है। और यूनिक मुझे किसको बनाना है तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है। यूनिक क्या मैंने कर दिया, रोल नंबर को मैंने यूनिक कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, सेव करके इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्रिप्ट मेरी अभी भी टू ही है तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, अभी भी टेबल ड्रॉप हुई, टेबल क्रिएट हुई, रोज जहाँ जहाँ पे उसका कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, पहले वो देख लेते हैं कि कंस्ट्रेंट को नेम कैसे देते हैं। तो कंस्ट्रेंट का मैंने नेम देने के लिए क्या किया कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट नेम मैं दे रहा हूँ यूनिक, यूनिक यू एन आई करके मैंने कंस्ट्रेंट का नेम दे दिया, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव करके हम क्या करते हैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो भी मेरा सेम आउटपुट आ रहा है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे यूनिक कर रहा हूँ, यूनिक करके मैंने क्या दिया है, रोल नंबर दिया। अगर मैं कॉमा करके स्टूडेंट नेम भी दे देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर और स्टूडेंट का जो नेम है, रोल नंबर वैल्यूज एंड स्टूडेंट के नेम जो है वो यूनिक होने चाहिए, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने रोज लिए हैं, मैंने लिए वन राम, टू श्याम, वन मोहन, तो वन राम इज डिफरेंट देन वन मोहन, दोनों अलग है। सिमिलरली टू श्याम इज डिफरेंट देन टू गोपाल, दोनों अलग है, ठीक है। जब मैं वन राम को फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसमें एरर आना चाहिए, और अगर मैं इस पिंकी को चेंज करके मैं क्या कर दूं, यहाँ पे राम लिख दूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब राम राम रिपीट कर सकता है, वन वन रिपीट कर सकता है, टू टू रिपीट कर सकता है, लेकिन वन राम और वन राम रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको भी, तो देखिए टेबल ड्रॉप हुई, टेबल क्रिएट हुई, फर्स्ट रो इंसर्ट हुई, सेकंड रो इंसर्ट हुई, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। फर्स्ट रो में वन राम, टू श्याम, फिर थर्ड रो में वन गोपाल, सॉरी वन मोहन, तो वन वन रिपीट कर रहा है, टू गोपाल में टू टू रिपीट कर रहा है, हंड्रेड राम में अब यहाँ राम राम रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैंने दी थी, मैंने क्या दी थी, वन राम दिया तो मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया, क्यों, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन मेरा पहले से एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पे पहले से स्टोर्ड है, वन और राम पहले से उसमें स्टोर्ड है, इसलिए उसको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं जब नल दे रहा था, नल राम, तो नल राम उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि मैंने अभी भी कहीं पे भी नल वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं हम, नॉर्मल कंस्ट्रेंट, ठीक है। नॉर्मल कंस्ट्रेंट मीन्स मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम के बाद मैंने कॉलम नेम स्पेसिफाई किए हैं ये, ठीक है। कॉलम नेम्स के बाद उनका मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है, डेटा टाइप के साथ उनकी रेंजेस स्पेसिफाई किए हैं। अब मैं इस कॉलम के सामने लिख दे रहा हूँ नॉट नल, ठीक है। मतलब रोल नंबर जो कॉलम है उसमें मैं नल वैल्यूज नहीं इंसर्ट कर सकता, क्लियर है। रोल नंबर के आगे मैं नल नॉट नल लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है कि रोल नंबर एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, क्लियर है। सो
can I insert 1 RAM 3 CSE 4121? Yes sir. कर सकते हैं. Can I insert 2 Shyam 5 CSE? Yes sir. Can I insert 1 Mohan 7 CSE 55126? Yes sir. Can I insert 2 Gopal 5 IT 65121? Yes sir. कर सकते हैं. Can I 1 RAM 3 CSE 4121? कर सकते हैं. 100 Pinky 980 से ही ये भी कर सकते हैं. 1000 Dinesh 5 CSE 55121? No. Why? No, because sir. Domain constraint violated. Can I insert null RAM 3 CSE 4121? No, sir. Can I insert null values? Can no, I insert sir. 1 null, 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 null? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ किसमें बताया null? मैंने roll number के आगे लिखा है not null. अगर मुझे इनमें भी restrict करना है तो इनके भी आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे भी not null लिखना पड़ेगा. सर not null सभी पे ऐसे अप्लाई हो वैसे नहीं कर सकते सर? हाँ, अब आपको चाहिए कि not null, ये मैंने दिया है कॉलम लेवल पे, मतलब कॉलम को बता रहा हूँ कि ये कॉलम मेरा not null होना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे टेबल लेवल में डिफाइन करना है सेम चीज को तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टेबल लेवल को बताना पड़ेगा. टेबल लेवल को मैंने यहाँ पे किया नहीं है. ठीक है, अब not null constraint जो होता है वो कॉलम लेवल पे ही होता है, टेबल लेवल पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो देखिए मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर के आगे not null लिखा है. ठीक है, रोल नंबर के आगे not null लिखा है, इसका मतलब है कि मैं इसमें null values insert नहीं कर सकता. तो आखिरी की तीन values में error आना चाहिए. ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं. पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं. अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब स्क्रिप्ट नंबर 3. तो स्क्रिप्ट नंबर 3 में देखिए, पहले टेबल ड्रॉप किया, टेबल क्रिएट किया, रोज एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. 1000 में एरर आया, नल में एरर आया, नल में एरर आया. तो सारी की सारी नॉट नल वैल्यूज हैं यहाँ पर. अब इसी स्क्रिप्ट में हम चेंज करते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर देते हैं कॉमा करके नॉट नल. नॉट नल किसको देना है? मुझे रोल नंबर. ऐसा यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है. इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका स्क्रिप्ट में एरर आना चाहिए. देखिए टेबल ड्रॉप हो गई, टेबल ड्रॉप होने के बाद देखिए नॉट नल लिखा रहा है. तो नॉट नल जैसे ही मैंने लिखा तो इसमें एरर है, एरर. क्लियर है? तो नोट करके लिख लेंगे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन ओनली बी डिफाइंड इन द टेबल लेवल, सॉरी कॉलम लेवल. इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टेबल लेवल. यस. ठीक है, बाकी सब में एरर आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट टेबल मैंने ड्रॉप कर दिया. तो कोई भी इंसर्ट स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट भी मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, और मेरे पास टेबल भी अब स्टूडेंट नाम की टेबल भी नहीं है. अगर मैं सेलेक्ट अकाउंट टैप करूं तो मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल नहीं क्योंकि वो ड्रॉप हो चुकी है. क्लियर है? तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नॉट नल. तो नॉट नल कैन ओनली बी डिफाइंड इन द टेबल लेवल. अब एक से ज्यादा कॉलम में आपको नॉट नल डिफाइन करना है तो आपको सबके आगे एक नॉट नल लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर में भी नॉट नल लगाना है, सेमेस्टर में भी नॉट नल लगाना है, तो दोनों में आपको नॉट नल लिखना पड़ेगा. क्लियर है? प्लस अभी जैसे मैंने दोनों में नॉट नल लिखा है, मैं इसको सेव करके इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, एग्जीक्यूट करके ये टेबल क्रिएट हो रही है. ठीक है, टेबल क्रिएटेड बता रहा है. पहले तो टेबल को ड्रॉप करने गया तो अब देखिए टेबल उसको नहीं मिल रही क्योंकि पहले से वो ड्रॉप हो चुकी थी. टेबल क्रिएट हुई, रोज इंसर्ट किया उसने, तो रोज इंसर्ट में देखिए इसमें जो नल वैल्यूज थी उसको उसपे ड्रॉप कर दिया. ठीक है, और रोल नंबर के अलावा मैंने किस में और दिया था, सेमेस्टर में भी दिया था, तो सेमेस्टर में भी नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते. प्लस अब अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है देखिए नॉट नल, नॉट नल, मतलब कौन कौन से कॉलम ऐसे हैं जिसमें मैं नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, तो टेबल डिस्क्रिप्शन में ये स्टोर हो चुका है, मतलब उस कैटलॉग में, उस डेटा डिक्शनरी में स्टोर हो चुका है कि रोल नंबर में भी नल नहीं डाल सकता, सेमेस्टर में भी मैं नल वैल्यू नहीं डाल सकता. क्लियर है? यस सर. सारे नल क्यों 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 गलत होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पे भी नल कर देता हूं मैं,
टेबल में सारे, हाँ अगर मैंने एक भी, मैंने अगर यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको पहले सुधार दूंगा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो उसमें आप? हाँ ये अभी नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने नॉट नल लगा दिया, एक भी कॉलम में लगा दिया तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पर वन स्टोर करके बाकी जगह नल डाल सकता हूँ ना मैं। ये वाला तो, ये तो दोनों इंसर्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि रोल नंबर कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। रोल नंबर मैंने नॉट नल डिफाइन कर दिया, मतलब उसमें नॉट नल वैल्यू ही होनी चाहिए, नल वैल्यूज उसमें इंसर्ट कर ही नहीं सकता मैं। क्लियर है सर? अगर सभी एट्रीब्यूट के सामने नॉट नल लिख दे तो एरर आएगा ना? क्यों एरर आएगा? वही मैं करके दिखा रहा था आपको, क्यों एरर आएगा? सारे के सारे नॉट नल ले लेगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने नॉट नल लिखा है, चाहूँ तो काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने नॉट नल टेबल लेवल पे अप्लाई नहीं होता, उसका मतलब क्या हुआ? तो फिर टेबल लेवल पे अप्लाई नहीं होता, इसका मतलब है कि मैं जो दो टाइप के कॉलम में, दो टाइप के जो कंस्ट्रेंट डिफाइन किए मैंने, मैंने क्या डिफाइन किया है, एक कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कॉलम के सामने मैं यूनिक लिख रहा हूँ तो कॉलम लेवल हो गया, जिस कॉलम के सामने कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है उस कॉलम के सामने उस कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, इट इज कॉलम लेवल। टेबल लेवल की जरूरत कब पड़ती है वो आगे हम देखेंगे। टेबल लेवल में होता है कि टेबल में कंस्ट्रेंट क्या है, तो एक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ कि यूनिक, और यूनिक में मैं क्या दे रहा हूँ, सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूँ, तो सेट ऑफ में एक ही वैल्यू दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है। अगर मैं रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट लूंगा तो उनका कॉम्बिनेशन यूनिक करेगा, तो ये हो जाता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अब जब मैं आ जाता हूँ, जब मैं आता हूँ नॉटनल में, तो नॉटनल को मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेवल पे ही डिफाइन कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डिफाइन इन ए टेबल लेवल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैंने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर, नंबर ऑफ थ्री, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर, नंबर ऑफ थ्री, उसके आगे मैंने लिखा है नॉट नल, और नॉट नल के साथ यूनिक भी लिख दिया, मैंने कहीं कॉमा नहीं लगाया है ना, नॉट नल, नॉट नल के साथ मैंने क्या कर दिया, यूनिक भी लगा दिया। इसका मतलब है कि रोल नंबर में नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकता, रोल नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकता, इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी नॉट नल। क्लियर है? सो कैन आई इंसर्ट 1 RAM 3 CSE 4121? यस सर। यस सर, कर सकते हैं। कैन आई इंसर्ट 2 SHAM 5 CSE 5122? यस सर। यस सर। कैन आई इंसर्ट 1 MOHAN 7 CSE 55123? नो सर। नो सर। नो सर। व्हाई? बिकॉज़ रोल नंबर कंटेन्स यूनिक वैल्यूज, तो डुप्लीकेट में इंसर्ट नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट इंसर्ट 2 हियर, आई कैन नॉट इंसर्ट 1 आल्सो, बट आई कैन इंसर्ट 100 पिंकी 9 ETC 9123 कर सकते हैं हम, क्योंकि यूनिक वैल्यू है। आई कैन नॉट इंसर्ट 1000 डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेटेड, आई कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज इन रोल नंबर एट्रीब्यूट। क्लियर? अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट आ जाते हैं अब हम फोर्थ स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर के आगे मैंने नॉट नल भी लगाया है और यूनिक भी लगाया है, ठीक है, वैल्यूज मेरी बाकी सब सेम है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं फोर्थ स्क्रिप्ट। फोर्थ स्क्रिप्ट में देखिए, टेबल पहले ड्रॉप किया उसने, फिर टेबल क्रिएट किया उसने, टेबल क्रिएट करने के बाद फर्स्ट टू रोस इंसर्ट हो गई, 1 RAM 2 SHAM इंसर्ट हो गया, 1 MOHAN कर रहा था तो एरर आया, 2 गोपाल कर रहा था तो एरर, 1 RAM कर रहा था तो एरर आ रहा। उसके बाद 100 RAM वाली इंसर्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद देखिए 100 RAM की जगह 100 पिंकी कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 100 पिंकी इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 पिंकी इंसर्ट हो गया। उसके बाद 1000 तो डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेटेड था और नल वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्लियर है? तो ये मेरा नल वैल्यू को भी प्रोहिबिट कर रहा है और डुप्लीकेट वैल्यू को भी प्रोहिबिट कर रहा है कि उनको वो इंसर्ट करने नहीं देगा, ओनली यूनिक वैल्यूज इंसर्ट होंगी और ओनली नॉट नल वैल्यूज ही इंसर्ट होंगी। क्लियर है? तो अब हाँ
होता है ना, वही तो पढ़ना है हमें। लॉजिकल डिफरेंस देखते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए जैसा इसने क्वेश्चन पूछा है, मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैंने रोल नंबर के आगे लिख दिया नॉट नल और यूनिक भी लिख दिया है, ठीक है। प्राइमरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्राइमरी की वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, प्राइमरी की वैल्यूज मस्ट बी नॉट नल, ठीक है। मतलब आई कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट इन प्राइमरी की, आई कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यूज इन प्राइमरी की। सो कैन आई से रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल? नो सर। व्हाई नॉट? सर उसको डीबीआई डिसाइड करते हैं ना कि ये प्राइमरी की है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी की है? तो इसको डीबीआई डिसाइड कर रहा है। डीबीआई मतलब जो टेबल क्रिएट कर रहा है वही डिसाइड करता है कि मैं किसको प्राइमरी की बनाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा चीज ये देखते हैं कि रोल नंबर के आगे मैंने नॉटनल यूनिक लिखा है, ठीक है। स्टूडेंट नेम के आगे भी मैं नॉटनल और यूनिक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दो कॉलम मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मैं डुप्लीकेट भी इंसर्ट नहीं कर सकता और नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकता, क्लियर है। दैट डजंट मीन कि रोल नंबर भी प्राइमरी की है, स्टूडेंट नेम भी प्राइमरी की है, बट इट मीन्स रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम आर द टू कैंडिडेट कीज प्रेजेंट इन द टेबल, ठीक है। रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम आर द टू कैंडिडेट कीज प्रेजेंट इन द टेबल, जिसमें मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, ना तो मैं डुप्लीकेट इंसर्ट कर पा रहा हूँ ना तो मैं उसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो कैंडिडेट की है आउट ऑफ विच आई कैन डिफाइन वन कैंडिडेट की एज प्राइमरी की, ठीक है। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में हम डिफरेंस पढ़े थे कि आई कैन डिफाइन ओनली वन प्राइमरी की फॉर अ टेबल बट आई कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज। तो मैं चाहूँ तो ब्रांच में भी मैं नॉट नल और यूनिक लगा दूँ, मैं चाहूँ तो मार्क्स में भी नॉट नल और यूनिक लगा दूँ। इस केस में मेरे पास चार कैंडिडेट की हो सकती हैं लेकिन प्राइमरी की मैं एक ही डिफाइन कर सकता हूँ, क्लियर है। सो दिस इज नॉट नल एंड यूनिक। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम प्राइमरी की, ठीक है। हम लिख रहे हैं रोल नंबर, नंबर ऑफ थ्री, प्राइमरी की। दैट मीन्स अब रोल नंबर जो है मेरा वो प्राइमरी की हो चुका है, प्राइमरी की हो चुका है, दैट मीन्स इसमें ऑटोमेटिकली यूनिक, ऑटोमेटिकली नॉट नल कंस्ट्रेंट लग चुका है, ठीक है। That means I can insert one, I can insert two, but I cannot insert one, two again, one. फिर से मैं insert नहीं कर सकता। I can insert 100, I cannot insert 1000 because of domain constraint violated. I cannot insert null values. ठीक है, जैसे ही मैंने roll number को primary key बना दिया, इसका मतलब है कि वो duplicate values भी insert नहीं कर सकता, वो null value भी insert नहीं कर सकता। Clear? And I can only define one primary key. I cannot define more than one primary key. ठीक है? Execute करके देखते हैं इसको भी। तो again आ जाते हैं script number 5 में। तो यहाँ पर देखिए roll number, number of three, primary key मैंने लिख दिया है। मतलब roll number मेरा primary key हो चुका है। Primary key हो चुका है मतलब अब इसको execute करके देखते हैं। Fifth script execute कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले वो क्या किया, टेबल ड्रॉप किया, फिर टेबल क्रिएट किया, वन और टू को इंसर्ट किया, फिर वन और टू को प्रोहिबिट कर दिया, वन फिर से प्रोहिबिट कर दिया, फिर 100 को एग्जीक्यूट कर दिया, 1000 डोमेन कंस्ट्रेंट वैलिडेटेड, नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो ये मेरी हो गई प्राइमरी की, ठीक है। और जैसे ही मैं टेबल डिस्क्रिप्शन में आ रहा हूँ, अब टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, तो रोल नंबर में देखिए ऑटोमेटिकली नॉट नल कंस्ट्रेंट लग चुका है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो दो रूल ऑटोमेटिकली उस कॉलम में लग गए, एक तो नॉट नल भी लग गया और एक यूनिक भी कंस्ट्रेंट उसमें लग गया कि ना उसमें मैं नल वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ ना मैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, क्लियर है। क्लियर है प्राइमरी की में किसी कोई डाउट? अब अगर मैं यहाँ भी प्राइमरी की लिख दूं, ठीक है, तो इसमें आएगा एरर, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा प्राइमरी की मैं नहीं क्रिएट कर सकता, तो देखिए इसमें एरर आ रहा है, टेबल ड्रॉप हो गई, टेबल क्रिएट करने गया तो टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, बता रहा है टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, मतलब रोल नंबर को अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन किया है तो दूसरे को प्राइमरी की में डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर।
किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? नो सर। ठीक, चलिए अब यहां से मैं प्राइमरी की हटा देता हूँ। तो अब आ जाते हैं वापस अपने इस टेबल में आ जाते हैं, और यहाँ पे मुझे, अच्छा ये हो गया मेरा प्राइमरी की एट कॉलम लेवल। अगर मुझे टेबल लेवल में प्राइमरी की डिफाइन करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। मैं कंस्ट्रेंट नेम और यहाँ पे देता हूँ। ये भी मेरा जो है, ये जो मैंने कंस्ट्रेंट नेम दिया है, दिस इज अगेन ऑप्शनल। मैं डायरेक्टली प्राइमरी की बता सकता हूँ कि रोल नंबर है, ठीक है। कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम मैं जाऊँ तो नहीं भी दे सकता, ठीक है। प्लस उसके पहले मुझे एक चीज बताइए कि अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम प्राइमरी की बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम को अगर मुझे प्राइमरी की बनाना है कि ये भी अलाउ करना है, 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 ये मुझे प्रोहिबिट करना है, ये अलाउ करना है, ये तो वैसे भी डोमेन कंस्ट्रेंट है और ये दोनों तो मेरा वैसे भी नल वैल्यूज हैं तो इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन आ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की बनाना है। दैट मींस आई नीड टू हैव कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट की पढ़ी थी हमने, कंपोजिट की मींस एन प्राइमरी की व्हिच हैव टू और मोर कॉलम्स और टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। तो मुझे कंपोजिट प्राइमरी की अगर डिफाइन करनी है तो मैं रोल नंबर के आगे प्राइमरी की और नेम के आगे प्राइमरी की तो मैं लिख ही नहीं सकता, ये हम पहले ही पढ़ लिए, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस केस में टेबल लेवल कंस्ट्रेंट में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक नोट और लिख लेंगे कि अगर मुझे कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अगर मुझे कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल लेवल में ही जाना पड़ेगा और टेबल लेवल में बताना पड़ेगा प्राइमरी की इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, क्लियर है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिनको मैं प्राइमरी की में इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आगे प्राइमरी की लिख दूँ, ये गलत हो जाएगा। मुझे टेबल लेवल में ही बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। और अगर मैंने ऐसे प्राइमरी की बनाई तो मेरा वन राम इंसर्ट हो जाना चाहिए, टू श्याम इंसर्ट हो जाना चाहिए, वन श्याम भी इंसर्ट हो सकता है, टू राम भी इंसर्ट हो सकता है, वन राम मेरा रिपीट कर रहा है, आप देखिए वन राम, तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। टू श्याम भी मेरा क्या ऑप्शन है यहाँ पे, टू श्याम है, तो ये भी मेरा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। नल वैल्यूज तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता, ठीक है, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे बताइए कि नल पिंकी और 100 नल ये इंसर्ट हो सकता है कि नहीं? सर नहीं इंसर्ट होगा, बिकॉज़ एक वैल्यू तो नल है ना, कंपोजिट प्राइमरी की है तो, कंपोजिट प्राइमरी की है तो सर, तो रोल नंबर एक तो वो हो गया ना सर, नल हो गया ना, रोल नंबर नल हो गया, पर उनका कॉम्बिनेशन तो नल नहीं है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये दोनों भी नहीं हो सकता। ये मैंने आप लोगों को प्राइमरी की डेफिनेशन में पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा था, ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपको फिर से उस स्लाइड में ले चलता हूँ। हमने जो कीज पढ़ी थी है ना, कीज हमने कब पढ़ा था, टेंथ लेक्चर में जो हमने कीज पढ़ा था उसमें यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी हमने, आपने ध्यान दी है कि नहीं दी है उसमें, इफ प्राइमरी की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इफ प्राइमरी की इज एन कंपोजिट प्राइमरी की देन नन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड इन द प्राइमरी की कैन हैव द नल वैल्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंपोजिट प्राइमरी की, क्लियर है। मतलब अगर मैंने प्राइमरी की कंपोजिट कर दिया तो एक भी एट्रीब्यूट उसका नल कंटेन नहीं कर सकता, आ रहा समझ में? यस सर। वापस हटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं अपन अपने स्लाइड में। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं, चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। अभी अगर मैं
अभी अगर मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, सेमेस्टर वैल्यूज में मैंने डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था कि सिंगल डिजिट स्टोर कर सकता है, तो 9 भी स्टोर कर पा रहा था मैं, ठीक है, ये मेरा इंसर्ट हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करना है कि वो पर्टिकुलर सेमेस्टर वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सेमेस्टर वैल्यू मेरी 9 इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम लेवल पे डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा चेक सेम वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड सेम इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 1 से लेकर 8 तक की वैल्यूज मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैं 0 भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा कॉलम लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं टेबल लेवल पर चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन करूं तो यहाँ पे कॉमा करके मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा, सेम कंस्ट्रेंट जो मैंने कॉलम लेवल पे लिखा है सेम यहाँ पे मैं टेबल लेवल पे डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली आई कैन नेम द कंस्ट्रेंट ऑल्सो, ठीक है, तो नेमिंग का मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम इज CHQ और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद आप क्वेरी को क्लोज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस टू लाइन्स, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका चेक कंस्ट्रेंट। अब ये चेक कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पर एक रेंज दी है कि 1 से लेकर 8, इसको आप बिटवीन एंड क्लॉक से भी लगा सकते हैं कि सेम वैल्यू बिटवीन 1 एंड 8, इसमें इसका मतलब है कि लोअर वैल्यू शुड बी 1, हायर वैल्यू शुड बी 8, मतलब 1 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, क्लियर है। सो दिस इज चेक कंस्ट्रेंट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको भी। ये हमने करके देख लिया, ठीक है, ये अगर आपने करके देख लिया है ये भी आप करके देख लेंगे, ठीक है, ये है आपका चेक कंस्ट्रेंट। यहाँ देखिए मैंने कॉलम लेवल पे सॉरी टेबल लेवल पे चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन किया और कंस्ट्रेंट का मैंने नेम दिया है CHK_SAM और उसमें बोल रहा हूँ कि सैम बिटवीन 1 एंड 8, 1 और 8 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टेबल पहले उसने क्या किया है, ड्रॉप किया है, एक मिनट क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। पहले क्या किया उसने, टेबल ड्रॉप किया है, फिर टेबल क्रिएट किया है, फिर रोज इंसर्ट किया है। तो जब रोज इंसर्ट करने जा रहा है तो अब यहाँ पर 9 जैसे इंसर्ट कर रहा है तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नेम बता रहा है, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, और कंस्ट्रेंट का नेम भी बता रहा है क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट का नेम आपने अपनी क्वेरी में स्पेसिफाई किया है। अगर आपने कंस्ट्रेंट का नेम स्पेसिफाई नहीं किया है तो ओरेकल विल असाइन द नेम अकॉर्डिंग टू इस एल्गोरिथम, ठीक है, वो अपने हिसाब से नेम असाइन करेगा, ठीक है। आपने नेम दिया है तो आपने क्या किया है कि वो सेम नेम को यहाँ पर वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो 9th वैल्यू है वो स्टोर नहीं कर सकता, क्लियर है। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी जो रोल नंबर वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 129 तक ही होनी चाहिए, तो वहां पे मुझे चेक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर है। अब आ जाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। हाँ, किसी कोई डाउट है सर, अगर 1 को भी इंक्लूड करवाना होगा तो उसमें किसमें 1 इंक्लूड कराना हो, पिछले वाले में 1 इंक्लूडेड है, 1 एंड 8 लिखा है ना, 1 इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूडेड है, 1 और 8 के बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। यस सर, क्लियर। अब आ जाते हैं हम आ जाते हैं कि अगर मैंने ये क्वेरी लिखी थी, कौन सी क्वेरी, ये पहली क्वेरी लिखी थी, इस क्वेरी में मैंने टेबल क्रिएट की, टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहा था, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिख रहे थे और टेबल नेम के बाद सेट ऑफ वैल्यूज दे रहे थे। तो वैल्यूज में आप कंप्लीट वैल्यू दे रहा था, 1 भी दे रहा था, राम भी दे रहा था, 3 भी दे रहा था, CSE भी दे रहा था, 40 भी दे रहा था, 121 भी ले रहा था, मतलब 6 वैल्यू दे रहा था क्योंकि 6 कॉलम्स है तो 6 वैल्यूज मुझे देनी पड़ रही थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और टेबल नेम के बाद मैं क्या कर रहा था, वैल्यूज कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, वैल्यूज कीवर्ड के बाद मैं 6 वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 कॉलम्स हैं तो 6 वैल्यूज मुझे देनी पड़ रही है, ठीक है। सिमिलरली
यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर 6 कॉलम नेम्स लिखे हैं और उसके 6 वैल्यूज मैंने यहाँ पर देंगे, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक वैल्यू नहीं देना चाहता, मेरे पास एक वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज ब्रांच को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ब्रांच को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्रांच हटा दिया यहाँ से, तो पहले जो रो इंसर्ट हो रही है इसमें ब्रांच वैल्यू क्या स्टोर होगी, तो सेव कर देते हैं, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैंने अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट वन, ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्रांच हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टोर नल वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए नल आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पर ब्रांच वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किए, ना मैंने ब्रांच कॉलम स्पेसिफाई किया है ना ब्रांच वैल्यू स्पेसिफाई किया, ठीक है। इसका मतलब है कि उस केस में क्या हो गया, यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर ब्रांच वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई एक वैल्यू स्टोर कर दे, मैं अगर वैल्यू नहीं दे रहा हूँ ब्रांच की तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, क्लियर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है डिफॉल्ट सीएसई, और डिफॉल्ट सीएसई करके अब अगर मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कॉलम नेम में मैंने कौन सा कॉलम ओमिट कर दिया, ब्रांच मैंने यहाँ पर डाला ही नहीं है, और वैल्यूज में ब्रांच की वैल्यू नहीं दी है, तो इसके मतलब है कि ऑटोमेटिकली उसमें क्या लेगा, सीएसई ब्रांच ले लेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको भी, तो स्क्रिप्ट 9 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, हाँ 10 में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिफॉल्ट सीएसई, ठीक है, डिफॉल्ट सीएसई दी है, और मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ब्रांच को ओमिट कर दिया है, कहाँ पर, पहले स्टेटमेंट मैंने ब्रांच को ओमिट कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो स्क्रिप्ट नेम था हमारा 10, पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, फिर हम 10 स्क्रिप्ट पर जुट करते हैं, ठीक है। तो टेबल ड्रॉप किया, टेबल क्रिएट किया, रोज इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद देखें हमने पहले वैल्यू में मैंने ब्रांच नहीं दी थी तो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया इसने, सीएसई डाल दिया, क्लियर है। सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? नो सर। इसके बाद आखिरी कंस्ट्रेंट बचता है, वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी, हम अगले क्लास में देखेंगे, क्लियर है। तो यहां तक अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट?